साईयो। आप दोनों इतने दिन कहाँ थे? हम लोग गांव के बाहर एक खंडहर में रहते हैं, तुम दोनों की इच्छा अनुसार, तुम दोनों से दूर, इसीलिए कभी सामने नहीं आए। लेकिन हाँ, कभी कभी पेट भरने इस गांव में आ जाते हैं भीख मांगने, थोड़ा खाने को मिल जाता है, जीवन बसर हो जाता है। आज ये बच्चा हमें वहीं से ढूंढकर यहाँ लेकर आया। आप अपना मंगलसूत्र मत दो आई, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया और आप फिर भी। बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, माँ बाप अपने बच्चों की चिंता करना कभी नहीं छोड़ते। मैं ये मंगलसूत्र देती हूँ, इसे ले लीजिए और मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। नहीं आई? आप अपना मंगलसूत्र मत दीजिए, इन्हें इनके पैसे मैं देता हूं। आइए आजोबा। उस दिन आपने कहा था कि आपके माता पिता किसी काम के नहीं, लेकिन आज आपकी जरूरत के वक्त पर आपकी आई अपना मंगलसूत्र देकर आपको बचा रही थी। जिन माँ बाप को आपने घर से निकाल दिया, वो आज भी आप दोनों से कितना प्यार करते हैं वो आपके सामने है। आप सोच रहे थे कि आप सब संभाल सकते हैं क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, शायद इसलिए आप दोनों भाई अलग हो गए। लेकिन आप अपने माँ बाप के बिना अपनी गृहस्थी नहीं चला सके और कर्जे में डूब गए। लोग तब भी देख रहे थे और आज भी देख रहे हैं, लेकिन काम तो परिवार ही आया ना। आप तो अहम और ईर्ष्या छोड़ दीजिए और वापस एक हो जाइए। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे भी माफ कर दे। अब माफ कर दीजिए आई मेरा डर तो दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये या तो लोगों की मदद करता है या तो ध्यान में लगा रहता है, ये मेरे हिस्से में तो आता ही नहीं। ये औरों से अलग है,
ईश्वर का खास बंदा है ये। और ऐसे लोगों की कुछ दिन की संगति भी जीवन को तारने वाली होती है। अभी ये हमारे साथ है, यही बड़ी बात है। सौभाग्यवती भव। ये क्या कह दिया बेटा? ये देखो, इसके पति की अंतिम यात्रा जा रही है। कई दिनों से बीमार थे इसके पति, बहुत इलाज करवाया इसके घर वालों ने, पर क्या करें, जो होना था वो तो होकर रहेगा। वेद जी ने तो इन्हें मृत घोषित कर दिया है, पर ये उनकी पत्नी मान ही नहीं रही। बड़ी मुश्किल से इसकी अर्थी उठी है और तुम इसे झूठी उम्मीद दे रहे हो। मैंने जो कहा वो मेरे शब्द नहीं थे। ध्यान करते करते मुझे ऐसा लगा जैसे राम जी मुझे आदेश दे रहे हैं। अगर मेरे मुंह से उनके शब्द निकले हैं तो मुझे यकीन है राम जी का कहना सच होगा। सुना सुना अपने, ये बालक भी बोल रहा है। कहते हैं बच्चों के मुंह से बहुत बार भगवान बोलते हैं, हमें इंतजार करना चाहिए बाबू जी। तुम छोटी उम्मीदों का दामन थाम रही हो बहू, तुम्हें सच को स्वीकारना होगा। शास्त्रों में हर चीज के नियम होते हैं। अंतिम यात्रा के समय अगर ढील बरती तो मेरे बेटे को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। संभालो बहू, अपने आप को संभालो। ले जाओ इसे। नहीं बाबा, मेरी बात सुनिए, रुकिए, इन्हें मत ले जाइए। अरे इन्हें मत ले जाइए, मेरी बात सुनिए, रुकिए, मेरी बात सुनिए, कोई रोकिए इन्हें, मेरी बात सुनिए, इन्हें मत ले जाइए, ये जीवित है। मत लेके जाओ, रुकिए, मत लेके जाओ, मेरे पति जीवित है, उन्हें मत ले जाओ, मत चलो, मत चलो, तोड़ो। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए काका, ये सब रुकवा दीजिए, हम किसी जीवित इंसान को नहीं जला सकते। रुकिए ये सब, काका मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, पंडित जी ने समझाइए, रुकिए ये सब। काका काका ये सब रोक दीजिए, ये अभी जीवित है, इन्हें मत जलाइए, रुकिए ये सब, रुकिए।
काका आप ऐसे नहीं कर सकते, ये जीवित है, ये सब रोकिए, आप इन्हें नहीं चला सकते, पंडित जी समझाइए। ये बालक क्रियाक्रम में विघ्न डाल रहा है, हटाइए इसे। बेटा, उसे मेरे ही बेटे की अर्थी मिली तमाशा करने के लिए। काका 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 मेरी बात सुनिए, आप इन्हें नहीं चला सकते, ये अभी जीवित है। काका मेरी बात सुनिए, काका मैं किसी जीवित इंसान का क्रियाक्रम नहीं होने दूंगा, मैं नहीं हटूंगा। पंडित जी आप विधान आरंभ कीजिए, आप लोग देख क्या रहे, हटा उसको वहां से। मैं नहीं हटूंगा, नहीं नहीं मैं नहीं हटूंगा, नहीं मैं नहीं हटूंगा, मैं किसी जीवित इंसान का क्रियाक्रम नहीं होने दूंगा, छोड़िए मुझे, छोड़िए, मैं नहीं हटूंगा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सब रोको, आप किसी जीवित इंसान को नहीं चला सकते, छोड़ो मुझे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। वो जीवित है। क्या कर रही हो? नहीं वो जीवित नहीं है। जीवित है वो दादा, तो मत कीजिए। मर चुका है।
जीवित है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुमने सच कहा था बेटा, तुमने आखिरी पल तक मंत्रोच्चारण करके मेरे बेटे को जिंदा कर दिया। मुझे माफ करना बेटा, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। मैंने कुछ नहीं किया है काका, इनमें प्राण बचे थे। मैं तो बस ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा था, अगर ध्यान के समय मेरे मुंह से ऐसा वरदान दिलवाया है तो राम जी उसका मान रख लें। हो सकता है उस आदमी की सच में मृत्यु ना हुई हो, बीमारी के कारण वो प्रगाढ़ बेहोशी की अवस्था में चला गया हो और वैद्य ने उसे मृत घोषित किया हो, और फिर आग के लपटों ने जैसे ही उसके शरीर का स्पर्श किया उसमें चेतना वापस आई हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि साई ने सच में उस व्यक्ति में जान फूंक दी हो। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन उस चमत्कार को लगभग पूरे गांव ने देखा और गांव वालों के साथ साथ उस चमत्कार को किसी और ने भी देखा था। अन्ना, आपका बेटा गांव के लिए सचमुच में वरदान है। पूरे गांव की चिंता करता है, ये ना हो तो ना जाने हमारा क्या होगा। भिक्षाम दे। भिक्षाम दे। शाम दे। माई, तुम जा क्यों नहीं रही हो भिक्षा लाने? फकीर बाबा भिक्षा मांग रहे हैं। रुकिए बाबा, रति भिक्षा लेके आओ। अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे जो चाहिए वो यही है। भिक्षा में मुझे आपका बालक चाहिए।
मैं इस बालक को अपने साथ ले जाने आया हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कोई वस्तु नहीं, हमारा बेटा है। भिक्षा में इसे कैसे मांग सकते हैं आप? यह बेटा सिर्फ आपका नहीं है, पूरे विश्व का है, पूरे ब्रह्मांड का है। मानवता की सेवा के लिए, जीवों की मदद के लिए इसका अवतरण हुआ है इस धरा पर। मैं इसे इसके मंजिल तक पहुंचा सकता हूं। उस ऊपर वाले की अमानत अब तक आपके पास थी, आपने इसे पाला, पोसा, बड़ा किया। अब समय आ गया है कि आप अपने वचन को पूरा करें। हम हमेशा धर्म के मार्ग पे चले हैं। हम वचन देते हैं कि हमारी संतान भी उसी मार्ग पे चलेगी। अगर आपने हमारे संतान की आस पूरी कर दी तो हम उसे भी प्रकृति के कल्याण के लिए अर्पित कर देंगे। आप इस बालक को हमेशा हमेशा के लिए सृष्टि की सेवा के लिए मुझे सौंप दीजिए। अपने बेटे को ऐसे किसी को दे देना एक माँ के लिए आसान होता है क्या? और वो भी साई जैसा विलक्षण बच्चा। हमेशा के लिए दूर होना कैसे मुमकिन है माई और अन्ना के लिए? साई से कुछ दिन दूर रहकर हमारी ये हालत है। बस उसके वापस आने की आस ने हमें बांधा हुआ है। यही तो बात है, हम कभी कभी उस पर अधिकार जमा बैठते हैं जो पूरे विश्व का है।